भरसानी में पशु आरोग्य मेले का किया गया आयोजन, पशुपालकों को दी गई जानकारी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेले का आयोजन शुक्रवार को विकासखंड अतरौलिया के भरसानी में आयोजित किया गया। पशु आरोग्य मेले में चिकित्सकों की टीम द्वारा पशुओं का उपचार करके दवा का वितरण किया गया। इससे पूर्व पशु आरोग्य मेले का शुभारंभ भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष आनंद त्रिपाठी ने गाय का पूजन करके किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेले में सैकड़ों पशुओं के संक्रामक रोग जैसे लंपी, FMD, PPR, HS आदि का इलाज करते हुए पशुपालकों को इससे बचाव का उपाय बताया गया। साथ ही विभाग की अन्य लाभकारी योजनाओं की जानकारी, 1962 मोबाइल वेटरनरी यूनिट, सेक्स सीमेन, पशु बीमा, बकरी पालन, मुख्यमंत्री सहभागिता योजना और विकसित भारत संकल्प यात्रा की जानकारी लोगों को प्रदान की गई। इस मौके पर प्रधान प्रतिनिधि जयप्रकाश यादव, बूथ अध्यक्ष रणजीत तिवारी, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार, प्रमोद यादव, जयप्रकाश वर्मा, जयप्रकाश, राहुल यादव, सुनील तिवारी, शिव सागर विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे। आइए सुनते हैं डॉक्टर संजय प्रभारी ने क्या कुछ कहा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले अपना परिचय बताएं। मैं डॉक्टर संजय प्रभारी, पशु चिकित्सा अधिकारी अतरौलिया। सर, आज यहाँ किस चीज़ का मेला लगा हुआ है, इसके बारे में बताइए। यहाँ पे आज भरसानी ग्राम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेले का आयोजन किया गया है। और इसमें जो है सरकार का ये मंशा है कि जो हमारे किसान भाई ब्लॉक तक या स्टेट हॉस्पिटल तक पहुंच करके अपने पशुओं के विषय में जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उसके विषय में जो है लोगों को जागरूक करना, साथ ही साथ यदि कोई समस्या है उनके पशुओं में तो उसका जो है तत्काल उपचार करना, और यहाँ पे दवाएं जो है समस्त प्रकार की दवाएं निःशुल्क बांटी जाएंगी पशुपालकों को, और सारी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। ये मेला कब कब लगाया जाता है, इसके बारे में? मेला तो सरकार के द्वारा जो है प्रतिवर्ष आयोजन इसके लिए किया जाता है, लेकिन ये वहाँ से निदेशालय स्तर से ये होता है कि मेला कब आयोजित करना है, इसकी सूचना जो है जिले से हम लोगों को दी जाती है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग मेले का आयोजन। ये हर गांव में लगाया जाता मेला है कि कोई गांव अगर छूट जाए तो उसमें? नहीं, जैसे जिस ग्राम में इस बार कवर हो गया है, जो छूटे हुए गाँव हैं उसको अगली बार हम लोग प्राथमिकता के आधार पर वहाँ देखते हैं कि पूर्व में अगर आयोजित नहीं हुआ है और छूटा हुआ है तो वहाँ पर अगले वर्ष वहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। कुछ दवाएं दी गई है, शुल्क कोई लग रहा है कि नहीं? दवाएं यहाँ पर सारी दवाएं निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं है, बस केवल आदमी अपना रजिस्ट्रेशन, पशुपालक अपना रजिस्ट्रेशन करवाए और यहाँ से निःशुल्क जो है राय लेते हुए और दवा ले जाए। ठीक सर, धन्यवाद।